hard to breathe, but that's alright. जल्दी आ जाऊंगा। तुम
मत ही आओ तो ही अच्छा है। तुम्हारी गुस्सा भी बहुत क्यूट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम ऐसे ही गुस्सा करती रहो। ओके मम्मी, आप रेस्ट कीजिए, मुझे भी घर जाना पड़ेगा। अगर कुछ जरूरत हुआ तो आप डॉक्टर युंगी को बोल देना, वो मुझे बोल देंगे। मैं जल्दी यहाँ आ जाऊंगी। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है। हम कब जाएंगे यहाँ से? आपको अगर जाना है तो डॉक्टर युंगी के साथ मिलकर अच्छे से एक्सरसाइज कीजिए और अच्छे से ट्रीटमेंट लीजिए ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाए। उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। ओके, मैं अच्छे से ट्रीटमेंट लूंगी और अच्छे से एक्सरसाइज करूंगी। मुझे यहाँ से जल्दी जाना है। ओके गुड गर्ल। ओके तो मम्मी, मैं भी चलती हूँ, मुझे भी घर जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, तू जा और अपना ख्याल रखना। अरे देख, तू आ गई। थैंक गॉड, मैं तो यहाँ बैठ के मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा था। मैं यहाँ नहीं हूँ ना। थैंक गॉड तू आ गई, अब मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। बट वाइन तो यहाँ क्या कर रही है? वो एक्चुअली आंटी जी ने बुलाया था हम सबको एक साथ बात करने के लिए। तेरे मम्मी पापा भी आए हैं? अरे नहीं नहीं, सिर्फ मुझे ही बुलाए थे बात करने के लिए। क्या मैं उन्हें पसंद हूँ? मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा है, वो मुझे क्या क्वेश्चन करेंगे, मैं उनका क्या आंसर दूंगी। डोंट वरी, मम्मी जी बहुत अच्छी है, वो हिटलर वाली नहीं है, वो बहुत क्यूट है, वो बहुत स्वीट है। डोंट वरी, वो जो भी पूछेंगे उसका आंसर दे देना अच्छे से। ओके, मैं उनसे अच्छे से बात करूंगी। तभी मुझे थोड़ा नर्वस फील हो रहा है। हाँ हाँ, ऐसा होता है, मुझे भी हुआ था। बट मैं जब इनके साथ घुल मिल गई ना, तो मुझे ये फैमिली सबसे अच्छी लगती है। मेरी फैमिली से भी ज्यादा मुझे ये फैमिली पसंद है। दे? हाँ मम्मी जी। तो आ गई। एक्चुअली मैं यहाँ बुलाई थी तुम दोनों को, इसलिए मैं तुम दोनों से बात करना चाहती थी। हाँ हाँ बोलिए ना मम्मी जी। हम सोच रहे थे कि तुम दोनों की शादी 1 मंथ के बाद करेंगे, बट उससे पहले तुम दोनों के पेरेंट्स से मिलना पड़ेगा। क्या तुम दोनों को कुछ प्रॉब्लम है? नहीं नहीं अंकल जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे मॉम डैड आ जाएंगे। ते बेटा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? वो एक्चुअली मम्मी जी, मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, वो पैरालाइज है, तो वो कैसे आएंगे? क्या तुम्हारी मम्मी पैरालाइज है और तुम मुझे अभी बता रही हो? वो मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। इट्स ओके ते, तो हम उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं। हाँ हम ये कर सकते हैं। वैसे भी मेरी मम्मी आप लोगों से बात करना चाहती थी। ओके, तो ते हुआ कि हम पहले वाईएन के घर वालों से मिलेंगे, उसके बाद तुम्हारे घर वालों से। ओके अंकल जी, ओके आंटी जी, ओके पापा जी, ओके मम्मी जी। वाईएन, तुम बहुत क्यूट हो और बहुत स्वीट भी हो। थैंक यू मम्मी जी। सॉरी आंटी जी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम वैसे भी मेरी बहू हो, तो मम्मी जी क्यों नहीं बुला सकती? मम्मी जी बुलाओ, आंटी क्यों बुला रही हो? ओके मम्मी जी। फिर नामजून वहाँ से चले जाते हैं। बेबी तुम यहाँ? हाँ, वो मम्मी जी ने बुलाया था, वो शादी के लिए कुछ बात करना था ना, वो इसलिए। ओ तो बेबी क्या बातें हुई? ये बात हुआ कि हमारी शादी 1 मंथ के बाद होगा। क्या इतने दिनों के बाद होगा? बेबी शादी की तैयारी करने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। हम
चले बेडरूम में। चुपके से रात की चादर डाले, चांद की भी आहट ना हो, बादल के पीछे चले, जले खतरा खतरा, गले खतरा खतरा, रात बिना चुपके से रात की चादर डाले। क्या हुआ थे? तुम सुबह से कुछ परेशान लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, वो भाग दौड़ में मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा रेस्ट लेने से मैं ठीक हो जाऊंगी। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था तो तुम्हें मुझे बोलना चाहिए था ना, हम ये सब कुछ नहीं करते और तुम्हें जरा सा रेस्ट करना चाहिए। इट्स ओके, ये भी वन टाइप ऑफ प्लेजर ही है। तुम बहुत नॉटी हो चुकी हो, वो तो मैं पहले से ही थी, बस किसी को दिखा नहीं पा रही थी। अच्छा बच्चों, मुझसे पंगा ले रही हो। भाभी आप? हाँ मैं। तुम्हें क्या लगा था मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? आपको मेरा ऑफिशियल नेम कैसे पता? होसुक मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया था, ऐसे बीच रास्ते में छोड़ के चली गई थी। I'm so sorry, मेरी भी कुछ मजबूरियां थी इसीलिए मुझे तुम्हें ब्लॉक करना ही पड़ा। I'm so sorry। और एक बात मैं तुम्हें बोलना चाहती हूँ, एक्चुअली मैं तुम्हें प्यार करने लगी थी पर तुम इतने रिच थे कि मैं तुम्हें बताने के लिए बहुत डर रही थी, उसके बाद मैंने तुमसे बात करना बंद ही कर दिया था। बट मैं अभी तुम्हें प्यार नहीं करती, मैं अभी जंगकुक से प्यार करने लगी हूँ, सो मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं भाभी, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? एक्चुअली आपको एक बात पता नहीं है। कौन सा बात मुझे पता नहीं है?